तो स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से एक नई वीडियो पे। जैसे कि बीबीएनक्यू का अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है जेनेरिक पेपर टू का, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है मेरे पास और डीएम भी आ रहा है कि उनका अभी तक इंटरनल क्वेश्चन नहीं मिला है। इंटरनल एग्जाम कब होगा, क्या हमें कॉलेज जाना होगा, कहाँ जाना होगा, तो सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे कि कुछ कुछ कॉलेज में इंटरनल एग्जाम शुरू हो चुका है, असाइनमेंट मोड में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन आपको घर से बना करके असाइनमेंट फाइल में आपको जमा करना होगा, अपना जो संबंधित विषय है, जो सब्जेक्ट है आप चुने हैं जेनेरिक पेपर टू में, वहां आपको जमा करना है। लेकिन कुछ कॉलेज का स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका अभी तक नोटिस ही नहीं आया है कि उनका इंटरनल एग्जाम कब होगा। अगर नोटिस भी आया तो उनका क्वेश्चन अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। तो वैसे कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्वेश्चन आपको अपलोड के इंतजार नहीं करना है कि हाँ अपलोड होगा तब हम लोग बनाएंगे, वो इंतजार कीजिएगा तो आपका डेट खत्म हो जाएगा इंटरनल एग्जाम। आप पर्सनली कॉलेज जाइए। कॉलेज कहाँ पे जाना, आपको संबंधित विषय जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं जेनेरिक पेपर टू में, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वहाँ जाना है। चाहे आप पीके रॉय से हो, एसएसएलएनटी से हो, आरएसपी कॉलेज से हो, सिंदरी कॉलेज से हो, आरएस मोर कॉलेज हो, या बीएस महिला कॉलेज हो, आपको कोई भी कॉलेज हो उस कॉलेज में जाइए, उस डिपार्टमेंट में जाइए जो संबंधित विषय है। आपको इंटरनल क्वेश्चन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, कॉलेज खुद विजिट करना पड़ेगा। वहाँ का जो नोटिस बोर्ड है, हर कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है यूजी के लिए, तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में जेनेरिक पेपर क्वेश्चन आपको वहाँ पर नोटिस बोर्ड में चिपका दिया जाएगा। वो भी क्या सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका जेनेरिक पेपर टू में जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, यानी कि आपको चार असाइनमेंट बनाना होगा, तो सभी विषय का और सब्जेक्ट का वहाँ पर चिपका दिया जाएगा। चाहे आप पीके रॉय से हो, एसएसएलएनटी से हो, आरएसपी कॉलेज से क्यों ना हो, आप अपने कॉलेज में जाके पता कीजिए। पता करने के बाद आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर उसे घर आकर बना लीजिए। लिखने के बाद आप अपने संबंधित विषय टीचर के पास उसे जमा कर दीजिए, आपका इंटरनल एग्जाम खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।